कहाँ है पापा कहती है कि सूटी आनंद 20 साल पहले क्यों मयूरी कांगो ने छोड़ दी थी टीवी इंडस्ट्री। मयूरी कांगी को साल 1996 में आई फिल्म पापा कहते हैं से पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके बाद इन्होंने अजय देवगन, अर्षद वारसी, बॉबी देओल जैसे तमाम दिग्गज एक्टर्स के साथ पर्दे पर रोमांस किया, लेकिन कुछ समय बाद ही इंडस्ट्री से नाता भी तोड़ लिया था। मयूरी कांगो जब 12वीं क्लास में थी तब उनको फिल्म मेकर महेश भट्ट ने पापा कहते हैं ऑफर की थी। इसके बाद वो अजय देवगन और अर्षद वारसी के साथ होगी प्यार की जीत और वामसी में नजर आई थी। मयूरी कांगो ने पहली फिल्म नसीम को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम्स देने थे, लेकिन बाद में उन्होंने मेकर से बातचीत करके हाँ बोल दिया। और बता दें कि मूवी बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर बनी हुई थी। मयूरी कांगी को जब फिल्मों में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने टीवी की ओर रुख किया। उन्होंने धारावाहिक डॉलर बहू और करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा कपूर की बेटी का रोल निभाया था। मयूरी कांगो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। इनका सिलेक्शन IIT कानपुर में हो गया था, लेकिन फिल्मों में काम करने की चाहत ने उन्होंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया। बताया जाता है कि एक्ट्रेस ने 16 फिल्में की, लेकिन उनका खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए कोई भी रिलीज नहीं हुई। मयूरी कांगो ने 2003 में एक्टिंग करियर छोड़ दिया और MBA करने का फैसला लिया। इसके बाद NRI आदित्य ढिल्लों से शादी कर ली और अमेरिका चली गई। 2011 में वो बेटे कियान की माँ बनी। इसके बाद 2013 में इंडिया वापस आ गई। आपको बताते चले कि मयूरी कांगो ने अमेरिका में रहते हुए साल 2004 से 2012 के बीच में काम किया। इसके बाद वो भारत आ गई और उन्होंने परफॉर्मेंस फर्म ज्वाइन की और मैगजीन डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। मयूरी कांगो का इंस्टाग्राम है, लेकिन उस पर उनकी कुछ ही फोटोज देखने को मिलती हैं। मयूरी कांगो ने फिल्मी दुनिया से एकदम नाता तोड़ लिया है। सोशल मीडिया पर भी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।